जोशीमठ में हुए भूदसाव के बाद से नैनीताल जिले के संवेदनशील इलाकों में सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार प्रशासन लगातार ऐसे जगहों की मार्किंग कर रहा है जो कि भूस्खलन की जद में हैं। डीएम धीराज अग्रवाल ने बताया है कि आलूखेत और ढुंगशील गांवों का भी सर्वे किया गया है जो कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र हैं और इसके लिए वैज्ञानिकों के द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है। इसके अलावा अतिसंवेदनशील बलियानाला क्षेत्र के निवासियों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कृषि और सिंचाई विभाग को भी बजट जारी किया जा रहा है और कहा है कि वैज्ञानिकों की रिपोर्ट और सर्वे का काम पूरा होने के बाद शासन को रिपोर्ट भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जियोलॉजिस्ट से हमने पूरा सर्वे वगैरह करा लिया है और उसमें उन्होंने जो भी सजेशन दिए हैं उसमें एक तो शॉर्ट टर्म मेजर्स अभी हमें तुरंत लेने हैं, तो उसके लिए कृषि विभाग और इरिगेशन डिपार्टमेंट को हम लोगों ने डायरेक्शंस वगैरह दिया है और अभी दो दिन पहले ही कृषि विभाग द्वारा अपना एस्टिमेट वगैरह सबमिट कर दिया, उसकी स्वीकृति हम लोगों ने जारी कर दी है और इरिगेशन डिपार्टमेंट भी अपना एस्टिमेट वगैरह बना रहा है, तो जैसे एस्टिमेट हमें मिल जाएंगे तो शॉर्ट टर्म मेजर्स जो लेने हम उसको तुरंत ले लेंगे।